हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त वरुण और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे नई वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HTML के बारे में। आज हम यूज़ करेंगे HTML के कुछ टैग्स जिससे हम वेबसाइट को बनाएंगे और वेबसाइट का डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो कैसे यूज़ करते हैं उन टैग्स को, चलिए देखते हैं। तो HTML क्या है सबसे पहले और उसको कैसे यूज़ करेंगे हम। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आप क्रोम यूज़ कर रहे हो, सफारी यूज़ कर रहे हो, चाहे फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो। ब्राउज़र का मेन मोटिव क्या है, टू इंटीग्रेट और कंबाइन ऑल द फाइल्स विच योर वेबसाइट इंक्लूड्स, चाहे वो HTML5 हो, CSS, JavaScript, PHP, अदर कोई भी फाइल हो, उन सबको एक कंबाइन करके इंटीग्रेट करके उसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपके ब्राउज़र पे शो होगा। आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ HTML फाइल से। आप CSS अकेली यूज़ कर लो, आप अकेली JavaScript यूज़ कर लो, चाहे कोई और लैंग्वेज अकेली यूज़ कर लो, आप वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते, आपको HTML टैग्स को यूज़ करना पड़ेगा। पर आप HTML को यूज़ करके आप साइट ना होगे, पर वो साइट कुछ ऐसी होगी कि वो जस्ट लाइक 90s का डिज़ाइन होगा, इतना सिंपल। आज के 21st century के टाइम पे वो डिज़ाइन बिल्कुल फ्लॉप है। तो आज के डिज़ाइन पे हमारे पास वेरिएबल स्क्रीन साइज़ के डिवाइसेज है, कोई स्क्रीन बड़ी हो रही है, कोई स्क्रीन छोटी हो रही है, कोई लैपटॉप की स्क्रीन Full HD+ डिस्प्ले पे है, कोई लैपटॉप की स्क्रीन 4K है, उनका रेजोल्यूशन अलग है। तो हमारी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो हर स्क्रीन साइज पे अपने आप को एडजस्ट कर ले ऑटोमेटिकली। ये चीज़ HTML हमारे को नहीं देता, और अगर देता भी है तो वो पाथ इतना डिफिकल्ट है दैट वी कैन नॉट हर स्क्रीन साइज के लिए हम एक स्पेसिफिक डिज़ाइन रेडी करें। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट वेरियस डिज़ाइंस फॉर एवरी वेरिएबल फ्रीकिंग साइज। तो HTML क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत है, XML है, GML है, बट हमारे को किसी और से कोई मतलब नहीं है। मार्कअप का मेन मतलब ये होता है कि दैट दे क्रिएट सम मार्क्स। मार्क्स का मेन मोटिव क्या होता है, वो मार्क्स यूज़ करते हैं हम कंटेंट के ऊपर, जिससे हमारे को पता चलता है हमने ये प्रॉपर्टी इस कंटेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। तो इससे बनी थी मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो HTML में जो हम टैग्स यूज़ करते हैं वो मार्कअप का काम करते हैं, हम उस कंटेंट को मार्क कर देते हैं कि ये कंटेंट ऐसा होगा, और डिफाइन करा होता है मार्क्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे हम स्टार्ट करेंगे कोड लिखना। हम डायरेक्टली वी आर नॉट गोइंग डायरेक्टली टू राइट कोड अपॉन कोड एडिटर्स। हम यूज़ करेंगे सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोड एडिटर को, ताकि हम ट्राई अपॉन कर सकें। हम कोड पेन को सर्च कर लेंगे, codepen.io। तो कोड पेन क्या है, जस्ट एक सिंपल एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कोड कर सकते हैं, करके अपने कोई भी भी तरह के कोड को हम शो कर सकते हैं बिना टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर रहे। तो डेमो के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। तो राइट नाउ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि एक लाइन है, लाइन के नीचे एक हेडिंग दी हुई है, द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल, और उसके बाद एक और लाइन है, और उसके बाद कंटेंट्स लिखे हुए हैं। तो हमने एक सेम इसी तरह का एक पेज रेडी करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम HTML में गए, हमने फर्स्ट हेडिंग क्या थी, द एडवेंचर ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल क्या थी, नहीं जी ध्यान रखो वीडियो में। तो आपने देखा हमने टाइप किया द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स, तो वो आ गया। हमने टाइप किया बाय, फिर उसके बाद हमने टाइप किया। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस टाइम पे हमने तो टाइप तो वैसे ही किया जैसा हमारे को फ़ोटो में दिख रहा था, हमने टाइप तो ऐसे ही किया द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स बाय आर्थर कॉनन डॉयल, बट वो हमारे को भी शो कैसे हो रहा है। यहाँ पर ये रिजल्टेंट है, ये वाला ये रिजल्टेंट है, तो ये तो नहीं ऐसे शो हो रहा जैसे हमारे को उस पेज पे दिख रहा है। तो इसको हम मार्क
हम HTML टैग्स को यूज़ करेंगे। सबसे बड़ी हेडिंग थी, ठीक है, तो सबसे बड़ी हेडिंग को हम टैग हेडिंग टैग वन से यूज़ करेंगे। अब जब हमने हेडिंग टैग वन को यूज़ किया तो बाय और सर आर्थर कॉनन डॉयल अपने आप नीचे हो। क्या आपने देखा क्या किया मैंने? ये H1 टैग हमने खोला था, यहाँ पर हमने बंद नहीं किया। तो H1 टैग को जब हम बंद करेंगे, जब तक हम खोला रखा था तब तक वो काउंट कर रहा था दैट द कंटेंट इज बिटवीन फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये सारा कंटेंट गिन रहा था। और जब हमने बंद कर दिया H1 टैग को, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के H1 टैग को बंद कर दिया, तो उसके बाद से उसके लिए कंटेंट वही है जो इन टैग्स के बीच में है। तो ये होता है मार्कअप। हमने इस कंटेंट को मार्क कर दिया कि ये H1 टैग में आएगा। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके लिए H2। टाइपो में गलती होती रहती है, तो H2 कर दिया। अब हम बाय देख रहे हैं, बाय हमारा अभी भी बहुत छोटा है, तो बाय हमारा इससे एक इस लाइन से थोड़ा सा छोटा है, जो हमारी फाइल है जिसकी हमने कॉपी करनी है वो ये कॉनन डॉयल से कुछ बाय थोड़ा सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम बाय को दे देंगे H3 टैग। तो हमने बाय को दे दिया H3 टैग। अब H3 टैग हम यूज़ कर रहे हैं, क्या आपको एक चीज़ समझ आई? जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर H9 लिख दूँ, क्या ये चलेगा? नहीं, इट इज़ बैक टू सिंपल फॉन्ट H9 तक। आपने तो कहा कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया अगर जैसे जैसे नंबर छोटा होता जाए, नंबर बढ़ता जाएगा तो फॉन्ट का साइज़ कम होता जाएगा। ये भी एक लिमिट तक है, ये लिमिट है H6। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम कई लोगों को शौक होता है रीडिंग का, जिनको रीडिंग करनी है HTML के बारे में। यार अगर आपको कभी कोई कंटेंट कोई चीज़ समझ नहीं आ रही दैट यू वांट टू ऐड बिटवीन योर कंटेंट, और आपने उस चीज़ का पता लगाना है कि आप कैसे करोगे, आप यू डू गूगल। अच्छा, गूगल में भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं आपको सर्च फील्ड में, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा होगा? तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ डेवलपर। चाहे आप कोई किसी भी चीज़ के डेवलपर हो, किसी भी चीज़ के प्रोग्रामर हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना ज़रूरी है, और आपको डॉक्यूमेंटेशन हर बारी पढ़नी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको दो डॉक्यूमेंटेशन। तो नंबर वन है MDN, तो MDN वेब डॉक्स। तो MDN क्या है? MDN है Mozilla डेवलपर नेटवर्क, ठीक है, Mozilla फॉर डेवलपर नेटवर्क, ठीक है जी। ये डेवलप किया उन्होंने जिन्होंने फायरफॉक्स को डेवलप किया, ठीक है। तो हमने देखना HTML, ठीक है, यहाँ पर HTML से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलेगी, हेड टाइटल बॉडी हेडर फुटर आर्टिकल सेक्शन पैराग्राफ टैग डिवीजन टैग स्पैन इमेज टैग असाइड ऑडियो कैनवस डेटा लिस्ट, हर टैग की आपको प्रॉपर डिटेल मिलेगी। तो सेकंड डॉक्यूमेंटेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है devdocs.io। देख सकते हो CSS, DOM, HTML, HTTP, JavaScript, Angular, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, आप जो चाहते हो वो मिलेगा। आप एट्रीब्यूट्स चेक करना चाहते हो HTML के, HTML के एलिमेंट्स चेक करना चाहते हो, और यहाँ पर उस लैंग्वेज में समझाया हुआ, उस टाइप का कंटेंट बनाकर समझाया है जो बहुत ईजी है समझने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप ये दो डॉक्यूमेंटेशन को रीड करो, ठीक है, और आगे के लिए। और अब मैं आपको और आगे चलने के चलते हैं हम। सो नेक्स्ट हमारे को क्या दिख रहा है? यहाँ पर दो लाइंस हैं, द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स के ऊपर है एक, के आर्थर कॉनन डॉयल के नीचे है। तो क्या है ये, समझ आया किसी को? नहीं, चलो। तो ये है एक हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे,
आगे ऊपर हॉरिजॉन्टल रो, अब एक आर्थर कॉनन डॉयल के नीचे, यहाँ पे भी आ गई। अब कुछ लग रहा है थोड़ा थोड़ा हमारा जो हम चाह रहे थे बनाना, पर अभी भी कुछ मिसिंग है ना। ये सारा कंटेंट सेंटर में है, करेंगे इस कंटेंट को भी सेंटर में करेंगे। और कंटेंट इसके नीचे क्या लिखा हुआ, कंटेंट्स। अब कंटेंट्स भी छोटा आ रहा है, तो अब आप बताओ अब यहाँ पर हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे। हम करेंगे H2 टैग यूज़ करते हैं हम। और हम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर H2 टैग यूज़ कर रहे थे ताकि हमारा कंटेंट सिमिलर बना रहे। तो अब कुछ सिमिलर लग रहे हैं, जस्ट अब हमारा कंटेंट सेंटर में नहीं है। सेंटर में करने के लिए हम यूज़ करेंगे CSS। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम इन टैग्स को, आप कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ करें, आप इन टैग्स को यूज़ करके देखो। H1 से लेकर H6 तक आप वेरिएबल हेडिंग साइज देख सकते हो। आप H1 से लेकर H6 तक आप वेरिएबल हेडिंग साइज बना सकते हो। आप अपने नाम के हेडिंग बनाओ, फिर उसके बाद अलग हेडिंग बनाओ, फिर ब्रेक टैग को यूज़ करो, ब्रेक टैग। ओके, तो मैं एक चीज़ भूल गया, सॉरी। आपको यहाँ पर गैप ज़्यादा दिख रहा है ना, इसके बीच में गैप है वो, तो मैं बुरी सॉरी। चलो अब इस चीज़ के बीच में गैप है, तो उसको, उस गैप को कैसे ले जाओगे। अब आप कह रहे होगे स्पेस दे दे बीच में, है क्या, तो नहीं स्पेस, ये वाली स्पेस यहाँ पर नहीं चलेगी। ये HTML है, ये थोड़ा सा अनपढ़ है, ठीक है। इस अनपढ़ बंदे को हमारे को बताना पड़ेगा कि यार भाई यहाँ पे ब्रेक है, तू ब्रेक थोड़ी ब्रेक दे, ठीक है। तो हम ब्रेक टैग यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे ब्रेक, अब हमारे को इसके बाद भी थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, तो हमने यहाँ पे भी ब्रेक ले ली। अब बन गया थोड़ा और सिमिलर कंटेंट, एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स, जगह है बीच में, फिर जगह है बीच में, फिर आर्थर कॉनन डॉयल, फिर कंटेंट आ रहा है, फिर लाइन आ रही है। तो अब आप अपने हिसाब से कोई भी कंटेंट बनाओ, एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स को किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर दो, अलग नाम की हेडिंग्स बना के देखो, ट्राई करो, खुद लिखो इस कोड को, चाहे रेप्लिकेट ही कर लो इस कोड को, ब्रेक करो उस फोटो पे, ब्रेक करो, ये मैं आपके लिए खोल देता हूँ। यहाँ पर पॉज करो स्क्रीन को, खुद लिख के देखो कोड को, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको कोड लिखने में स्पीड अप हो, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि मिलता रहे आपको ऐसा डेली ऑसम कंटेंट।